बब्सी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, उसको ये पता है कि पापा मुझे खाना दे देंगे, तो बब्सी पेशेंटली ना वेट करता है, कोई भूखापन या कोई लालच की भावना ना बब्सी के अंदर नहीं। तो देख रहे हो कितना बेटर है, मैं वो गारंटी देता हूँ अगले 10 दिन के अंदर अगर इसको भागता हुआ नहीं दिखा दिया ना मैंने आपको, मेरा नाम भी राहुल है। थोड़ा सा वेट गेन कर लो, थोड़े से गोलू मोलू हो जाओ पप्पे, थोड़े से गोलू मोलू हो जाओ। तो यार सुबह सुबह शिबू जैसे तैयार हो गए स्कूल जाने के लिए, आज फिर भी बेटर मूड में लग रहे हैं दोनों। चलो बैठो गाड़ी में, जे सोई को बाय करो और जाओ। अभी ये हो सकता है कि माता जी, देखो अभी ना मैं नई टी शर्ट डाल के आई, उसने फिर बुरे हाल कर हमारी माँ ने। तेल देख कैसे बैक हो रही है राहुल, बिल्कुल लग रहा है जे बैठा हुआ है चोटियों देख के। इसकी और जे की ना साथ में ना फोटो लूंगी चोटियों के अंदर, इससे पहले की जे के मुँह। हाँ कि बब्सी को छोड़ दिया बाहर ठीक है गर्मी के अंदर, क्योंकि डॉक्टर ने बोला हुआ है हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ओला को तो अंदर ले गए, मुझे यहाँ गर्मी में छोड़ रहे हैं। राहुल ही कहीं गाड़ी में नहीं गई, पूरा पूरा मुंह खोल के लड़ रहे हैं। तो गाइस मैं ऑफिस की खिड़की से ना काम मतलब काम कर रही थी ऑफिस के टेबल पे बैठ के राहुल की, तो नहीं ये ना मुझे खिड़की से ना खड़े हो के ना देख रही थी और बुला रही थी, मेरा बड़ा मन था मैं आके इसको प्यार करूं। ये देखो मेरे साथ खड़ी हो गई, ये देखो एक सारे कपड़े गंदे करी जा रही है, क्या कर रही है तू है? मेरा बड़ा मन था मैं इससे उसी टाइम आके मिलूं देखना लेकिन ना मैं आई नहीं, क्योंकि ऐसे ही फिर ना मेरे को अपने साथ उलझा लेती हूँ, मेरा बहुत काम था ऑफिस का बहुत ज़्यादा, क्या कर रही है हैं? तो उस चक्कर में मैं ना नहीं आई फिर बाहर। अब मैं इनको फाइनली अभी क्योंकि राहुल इनका ना खाना लेकर आए हैं, बहुत सारी दही, इतनी दही राहुल इतनी सारी दही दी है इनको, दही दही है सिर्फ दही और चावल, तो इसीलिए मैं बाहर आ गई कि चलो खाने का टाइम हो गया इनको भी मिल गया। यस मिस्टर बब्स लेट गया, ये भी फैल गया आज तो, मेरे को प्यार करो हैं हैं बब्बे, तबीयत ठीक है मेरे बब्बे की? लड्डू बब्जी नाराज हो जाता है, मेरे को लग रहा है इसने ना इसको तकिया बना लिया, ये जो रेज वाली स्लैब है ना इस पे सर रख के ना लेटा रहता है, और ये पता नहीं कौन सी खुजलियाँ मचा रही है। क्या हुआ तेरे को ओला ऑल्टो, क्या हुआ है, बारिश आ रही है? तो मौसम दिल्ली में फिर देखो थोड़ा सा खराब हो गया, और ऐसा ना हो कि फिर से जो पानी का लेवल नीचे गया है वो वापस आ जाए और बाढ़ का खतरा बन जाए। हाँ जी बब्जी, तो मुझे बब्जी की हेल्थ में थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ये खाना खा रहा है, कई बार बीच बीच में ये लोग छोड़ देते हैं जब इन्हें लगता है कि हम कुछ इन्हें मतलब इनके स्वाद का नहीं खिला रहे है ना, फिर इनको हम लोग ट्रीट्स देते हैं, उसके बाद खाना खिला के फिर से ठीक हो जाते हैं ये। ओला को पता चल गया कि खाना लग गया और अब ये एक्टिवेट हो गई है कि चलो अब हम खाना खाएं, वैसे 99.99% ये लड़की एक्टिवेटेड ही रहती है, अब पता नहीं क्या लेके बैठ गई है। मुँह में क्या दिया हुआ है? हड्डी दी होगी राहुल ने सुबह के टाइम में इनको टाइम पास करने के लिए, तो वो ना काफी तो खा गई, बस ज्यादा उसका कागज सा रह गया। इसकी शक्ल देखो खाने के टाइम पे, अभी पूरा खाना लगा नहीं है फिर भी ना पहले ही आके बैठ गई है सिट पोजीशन में एक ओबीडियंट बच्चे की तरह। बब्जी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, उसको ये पता है कि पापा मुझे खाना दे देंगे, तो बब्जी पेशेंटली ना वेट करता है, कोई भूखापन या कोई लालच की भावना ना बब्जी के अंदर नहीं है। इस हिसाब से ना मुझे बब्जी बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ना राहुल का क्लोन हो, राहुल को भी किसी चीज़ का लाइफ में लालच नहीं है, तो हमेशा की तरह पहले बब्जी को मिलेगा। बब्जी को तुम अब यहाँ देने लग गए हो, वहाँ नहीं देते हो ना, हाँ उठा भी नहीं जा रहा, डॉक्टर ने भी बोला है कि इसको कोई खास जरूरत नहीं है इतना वर्कआउट या अभी एक्सरसाइज करने की, इसको थोड़ा सा वेट भी 5-6 किलो डाउन हो गया, वो तो राहुल इसको गैस्ट्रो इशू हुआ था उसकी वजह से, वो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आपके ना जो फर्श है उसके ऊपर वो स्लिप किया, और हमने सीसीटीवी फुटेज देख ली थी, मैंने आपको बताया भी था ये चीज़, बारिश के पानी बारिश के अंदर ये फिसल गया था, उसकी वजह से इसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है, बट इवेंचुअली आज आप अगर सुबह की वीडियो देख रहे हैं तो देख रहे हो कितना बेटर है, मैं वो गारंटी देता हूँ अगले 10 दिन के अंदर अगर इसको भागता हुआ नहीं दिखा दिया ना मैंने आपको, मेरा नाम भी राहुल नहीं। बढ़िया, बहुत शानदार नाम है राहुल तो है। और ओले खाना कैसा है? ओए ओला, ओए मेरी छोटी सी ऑल्टन, मजे से खा रही है, खाते हुए मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही। मैं सबको यही बता रही थी कि इतनी दही राहुल ने तो पूरा, जैसे इसमें तो मैं आटा गूंथती हूँ इस परात में, इतनी बड़ी सी में पूरे खानदान का आटा गूंथ जाता है इसमें, और इतनी इतनी तुमने दही दे दी, और ओली देखा कितनी सुंदर है, ठीक है नजर, इतना समझदार लड़का मैंने आज तक नहीं, कल तूने देखा एक्सेल रूम के अंदर इसने क्या किया, मैं आपको गारंटी देता हूँ वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेन डॉग भी ले आओ, लोग कहते हैं ना वो आपकी भाषा नहीं समझते, they don't understand, they only understand the commands, मुझे लगता है भाषा भी समझते हैं, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं
इसके बारे में पढ़ा हुआ है मैंने, ठीक है, मैं मानता नहीं हूँ ये चीज़ें कि हाँ मुझे पता है कि ये नहीं समझते, बट एज ए इंडियन पेट पेरेंट या इंडियन हम जैसे भी देसी हैं, हम बात करते हैं आपस में, डॉग से बात करते हैं, मुझे तो लगता है पूरी बातें समझते हैं। कल जब मैंने तुम्हें बोला कि राहुल इसको अंदर ले जाओ और इसको फर्श पे लिटा दो, ये अपने आप जाके लेट गया। हाँ कि भैया ये मुझे पकड़ेंगे, हाँ। और मुझे दर्द हो रही है, मम्मी हाथ लगाने वाली है, हाँ। तो मम्मी को मुझे नहीं कुछ करना, हाँ। मेरी हेल्प कर रही है, मैं थोड़ी देर, उन्हें ये भी बोला कि कुछ नहीं होता यार, होता है तेरे साथ, तेरे को तो दो इंजेक्शन लग रहे हैं, ये दो इंजेक्शन तक चुप रहा, जब तीसरा लगाने लगा तो गुर्राने लग गया, तो काउंटिंग भी कर रहा था अंदर, इसका मतलब है ना यार, मानते नहीं है, पर ये चीजें कितनी ना समझदारी से धीरे 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 खा रहा है ना, आराम से, कोई भूखापन नहीं, कोई लालच नहीं, ऑफिस का काम मेरे को तो आज ऐसी हालत हुई थी, मुझे भी चलो कि बाय वाला खाना खा ले मेरे बच्चे, ठीक है, हम ऑफिस का काम करते हैं, शिबू भैया भी आने वाला है, आई थी ना नीचे से, तो पर भी दो घंटे पर ऊपर ही ले गई, तो यहाँ सन्नी लेके जा रहे हैं जोई को घूमी घूमी कराने, क्योंकि हमने उसको यहाँ पे बांधा हुआ था, अभी फिलहाल ही घूम के आ जाएगी, अपना जो सुसु करने कर लियो, देखियो दूसरे डॉग से बचा के रखियो, तो जूते देख रहे हैं, अरे नहीं सर साइज चेक कर लो, मत साइज चेक करो, अरे पहन के होगा ना चेक, अरे ये खोल ले तू यार, ये बंदा कैसा है यार, ढीला है, हां ढीला पीला कुछ नहीं है बंदा, नरम मुड़ गए जूते ही कोई बात, जूते मुड़ गए, भाई कैसे लाए हैं, किन हालातों में लाए हैं पता नहीं है, ठीक है साइज चेक कर लो सर, हाथ डाल के पता चल जाता है आपको, एक अरे वो सही कर रहा है, मुझे भी दिखाओ, सेक्सी लग रहा है, तो अच्छा है, हाँ हमने आज इसीलिए दे दिया कि बाय चांस अगर आपने पहन, ओए क्या फंस गया, कान थोड़ी फंस गया अंदर, नहीं पक्का मैं सोई पड़ी है, देखो दरवाजे पे ना इंतजार कर रही है हमारा, और इसी के साथ जेजू और शिबू घर आ गए हैं फाइनली, अपना स्कूल वूल और क्लासेस क्लासेस निपटा के, शिबू शूज उतारो, चलो इधर आओ, वापस शूज उतारो, शूज उतारो जे, चलो बच्चा पार्टी, राहुल तुम भी ऐसे घूमते हो, आ रहा। रात को हम लोग आए थे वॉक कराने जोई को, पहली बार कॉलोनी के अंदर, और यहाँ पे इसकी देखो छोटी सी की हिम्मत पूरा लड़ रही है इसके साथ, ये कौन सा इसका नाम तो रखा नहीं राहुल हमने इस वाले का, देख ले अभी ही ना लड़ने जा रही है, इसकी आवाज सुबह ना जितने भी जैसे सुबह सुबह बार्क करते हैं ना डॉग सारे हमारे बब्बा वाला बाकी, और ये भी सबसे तेज आवाज राहुल इसकी है, तो यहाँ सुबह सुबह शिबू जेजू तैयार हो गए स्कूल जाने के लिए, आज फिर भी बेटर मूड में लग रहे हैं दोनों, चलो बैठो गाड़ी में, जे जोई को बाय करो और जाओ, हाँ नानी आई है लेने, चलो जल्दी जोई बाय कर दे भैया को, जोई बाय बाय शिबिया बाय, हाय गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ नमितोलॉजी, और आज का दिन शुरू हो रहा है, बच्चे चले गए हैं स्कूल और यहाँ पर मैं आई हूँ ऑफिस में, आजकल राहुल के ऑफिस बैठ के अपना काम निपटा रही हूँ, थोड़ा ना शांति से पीसफुली ऑफिस का काम हो जाता है और थोड़ा इन बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड हो जाता है, और मैं चल रही हूँ तो मेरे साथ साथ बब्जी चल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, हाय बब्जी कैसे हो, कैसा है मेरा बब्जू, सुबह से घूमने नहीं गया, नीचे बैठ गया, बब्जी की तबीयत कैसी है, आप गेट पे क्यों खड़े हो, मुझे पता है आपको लग रही गर्मी और आपको अंदर जाना है एसी वाले ऑफिस में, लेकिन डॉक्टर साहब ने मना किया है ना बब्जी को कि बब्जी जाएगा ऑफिस में तो हड्डी में दर्द होगा, है ना बब्बे, हाँ बब्बे देख रहा है मेरी सारी बात सुनता है, बब्जी ना कमजोर हो गया, अब थोड़ी इसकी तबीयत ठीक होगी ना, इसको अच्छे से ना नहलाएंगे, ओ बब्बा बब्बा एसी में बैठना है, ऑफिस में जाना पापा पास, है ना, अब देखो वहां ना पार्क में ना किसी ने ना गेट खोला, इसको आवाज आ गई है और ये भाग के ना यहाँ पे आ गया देखने कि मेरे पार्क में कौन गया है, ना पापा का नाम लिखा है पार्क पे, सारी जगहें जो है बब्जी की वो पापा के नाम पे ही तो है बब्बे, है ना बब्जी, सिट चलो सिट डाउन, मेरे लाल मेरा बेटा, तो यहाँ देख लो लेडी वाली फिर वो हड्डी वाली लेके बैठ गई है, इसको रोज की एक हड्डी चाहिए मैडम को, है ना बब्बे, आपको नहीं चाहिए हड्डी, ओला क्या हुआ, थोड़ा सा वेट गेन कर लो, थोड़े से गोलू मोलू हो जाओ बब्बे, थोड़े से गोलू मोलू हो जाओ, है ना गोगो, ऐसे कमजोर कमजोर अच्छे नहीं लगते, आपको मना है मेरे बच्चे, डॉक्टर ने मना किया एसी में जाने को,
इसकी ना तरसती हुई आंखें ना मुझसे क्लियरली कह रही कि मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे एसी में ले जाओ, लेकिन इसको ना डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया हुआ है, इसीलिए हमने ना आप देखो फर्श अच्छे से गीला किया हुआ है, ऊपर पंखे चल रहे हैं और मौसम इतना बुरा नहीं है कि मतलब आपको बाहर नहीं बैठा जाए अभी इस वक्त तो ठीक है। दोपहर को हम लोग ना क्या करेंगे, रूम ठंडा कर देंगे इसके लिए और एसी बंद करके फिर इसको थोड़ी देर बिठा देंगे ताकि इसको अभी ना जो एक वो है कि मुझे ऑफिस के अंदर अपनी हाजिरी लगानी होती है वो हो जाए। यहाँ मैं जरा बालकनी में खड़ी हुई हूँ, देखती हूँ मैं कि ओला आती है मेरे पास कि नहीं आती। ओला ओला अच्छा ना नहीं आई, भाग गई। अब देखते हैं आती है कि नहीं आती। ओला अच्छा आ गई। ये हो सकता है कि माता जी, देखो अभी ना मैं नई टी शर्ट डाल के आई हूँ, इसने फिर बुरे हाल कर दिए हमारी माँ ने है। ओले ओला देखो मेरे कपड़े खराब कर रही है, ओले मतलब मैं तैयार नहीं हो सकता। ओए दोनों शैतान लड़कियों, तू तो दिखी ही नहीं, क्या नाम है टिप्सी? टिप्सी की टेल देख के कैसे बैग हो रही है राहुल, इसको इधर मेरे नीचे कर दे, चुप चुप बैठ रही है और वहां सो ही रही है, मतलब अपना पागलपंती में लगी हुई है। चुपचाप बैठ जा, इसको बैठा, चुपचाप बैठ जा, इसकी आंखों में ना बाल आ रहे, तो नहीं इसकी ना चोटियां बाल है। मैं ना जे के लाऊंगी इसको, बुके जे वाले, ठीक है ठीक है। ए टिप्सी, ए टिप्सी, ए टिप्सी छोटी सी, तू तो कुछ खाती भी नहीं है। बिल्कुल लग रहा है जे बैठा हुआ है चोटियां देख के। इसकी और जे की ना साथ में ना फोटो लूंगी चोटियों के अंदर, इससे पहले कि जे के मुंह में हाथ नहीं लगाने देती। बहुत ज्यादा एटीट्यूड है मैडम के अंदर। ये देख नाक पे भी बाल आ रहे तेरे, रुक इधर आ, इधर आ, ठीक करूं। बिल्कुल ठीक नाम रखा है टिप्सी, है टिप्सी, ए टिप्सी। तुमने ये काम बहुत गलत किया राहुल, बहुत गलत काम किया तुमने। तुमने ओला को अंदर एसी की हवा खिलाने के लिए बिठा दिया है और मैं तुम्हें ना अभी एक चीज दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ तुम्हें ना खुद पे वो होगा कि ये मैंने क्या किया, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन तुम ये ओला को बाहर रख सकते थे। गाइस जो मैं बता रही थी कि राहुल ने गलत किया, तो राहुल ने ये गलत किया कि बब्जी को छोड़ दिया बाहर, ठीक है गर्मी के अंदर, क्योंकि डॉक्टर ने बोला हुआ है हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, पर वो बेचारा ना देखो यहाँ पे खड़ा हुआ दरवाजे पे कि ओला को तो अंदर ले गए, मुझे यहाँ गर्मी में छोड़ रहे हैं, बहुत गर्मी लग रही है इसको, तो मैं राहुल को कहती हूँ कमरे को ना ठंडा करके एसी बंद करके फिर इसको अंदर बुला लेंगे, थोड़ा सा तो बेचारे को हो ना, वो बेचारा यहाँ पे बैठा हुआ है। बब्जी, बब्जू, ओ बब्बे, देखो कैसे ना आंखों तरसती आंखों से देख रहे हैं कि मुझे भी कोई ले दो। हाँ बब्जी अंदर जाना है, अंदर जाना है, मैं पापा को बोलती हूँ मेरे लड्डू, उदास मत हो ठीक है, मैं बोलती हूँ, आप बैठो, सिट डाउन, सिट मेरा बेटा। बब्जी को जाके देखो एक बार, एक बार देख, नाराज नहीं, वो बेचारा कह रहा है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे नहीं। जोई, ओला, स्टॉप फाइटिंग। ये देखना, ये होती है जनानियां, गली की लड़कियां। पर मैं इसको अंदर नहीं कर सकता। वो ठीक है, पर तुम उसको देख रहे हो कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। मूड खराब है ना, करने दो बेटा। नहीं, ऐसे ही खड़ा हुआ है, जब मैं गई थी ना बाहर तब मुझे भी कह रहा था। पैर भी टिक गया, पैर टिक गया, कमरा ठंडा करके थोड़ी देर बिठा लेंगे। उसे मना किया है, उसने कहा ठंड के अंदर इसकी ना जॉइंट्स दर्द कर रहे हैं। मैंने क्या करे यार, जीना है और इसकी आंखें देखो यार, वो कह रहा मुझे बाहर छोड़ दिया। वो ना लेफ्ट आउट फील करेगा, कहीं उसको इमोशनली और वो ना हो जाए ना राहुल, मैं ये बोल रही हूं। मेरे ख्याल से तो उसने बोला कि गर्म पट्टियां करो। हां गर्म करो, से एक दो कहां ठंडे में रखो, वो करने से करता था, बैठा रहे पप्पे। हां आई मेला बच्चा ये देखना, हां तुम्हारे चाहते और हो गया इसको।
पापा आए भी और लेके भी नहीं गए। बबे ओ मेरे बेटे, उदास हो गया मेरा पापा। ये दोनों देख ना आंटियां मेरी हैं। टिप्सी वो कहां है? कोने में खड़ी है। तो ना ये दोनों लड़कियां मिलके ना इसको देख रहे हैं। जोई पूरा मुकाबला करती है इसका। ओए 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 जोई ओला, नो गंदी बात। इन्होंने तुम्हारे सारे ऑफिस की दीवारें खराब कर दी है ना। ओए ओला ओला, आप बिग गर्ल हो ना, क्या छोटे बच्चे से लड़ रही है? राहुल कटेगी है। राहुल ही कहीं गांठ नहीं गई, पूरा पूरा मुंह खोल के लड़ रहे। हाँ नहीं तो गर्मी में ओली तेरे को तो सबसे पहले छोड़ देंगे, क्योंकि बब्जी वैसी कह रहे हैं कि इसको क्यों लेकर आयो, मेरे को तो लाएंगे हैं। समझ आ रही बात? दोनों मिलकर इसको देखो सुंदर लड़की को। उसको अंदर करे छोड़ी, उसको अंदर करे थोड़ी देर के लिए, पर तेरे पैरों के अंदर बैठेगा। कोई नहीं सर, पैरों पर तो बैठ जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्ड लेगा तो? कार्ड कैसे लेगा, तुम किस लिए हो फिर? कर दे उसको अंदर, कर दे यार, पता क्या है। हाँ कर देते हैं, बीच बीच में बॉन ऑफ कर देंगे यार। थोड़ा ठंडक करके ना, हुमस निकाल के वो करते हैं। बैठी हुई इन दोनों को देख रही है, इन दोनों महारानियों को। तो बब्जी को हम थोड़ी देर ले ही आए हैं गाइस। बब्जी टेबल के नीचे हो जाए, देखो डायरेक्ट हवा भी नहीं लगेगी। ठीक है बैठ जाओ उधर, चल ये ना टिप्सी को देखने आ रहा है ना। अरे तो गाइस मैं आराम से राहुल के ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रही हूँ। मेरी दो इम्पोर्टेंट कॉल्स थी एक डेढ़ घंटे की, वो भी पूरी हो गई। और मेरे साथ साथ अगर आप देखो, मैंने बब्जी को इतना बेवकूफ बनाया हुआ है, एसी मैंने कर दिया था बंद, आपको लग भी रहा होगा इसको पसीने आ गए। तो बब्जी को इसलिए बेवकूफ बनाया कि उसको ये भी हो गया कि वो मेरे साथ रूम में लेटा हुआ है, ठीक है, ऑफिस के रूम में सब डॉग्स के साथ। हमने उसको आइसोलेट नहीं किया हुआ है। और साथ साथ एक अच्छी चीज़ बताती हूँ, सोया पड़ा ये देखो गर्मी में बेचारे को, पता भी नहीं चल रहा कि हमने इसका बुद्धू बनाया, लेकिन बहुत जरूरी था। एसी में जब इंसानों को हो जाती है जॉइंट पेन, तो इसके तो वैसे भी प्रॉब्लम इतनी चल रही है बब्जी के। तो ये देखो मैं यहाँ पे बैठी हूँ ऑफिस चेयर पे, ये मेरा टेबल है, ये मेरा सारा सेटअप है ऑफिस का, ये यहाँ पे नीचे मेरे साथ लेटा हुआ है, और ये मैं आराम से यहाँ पे बैठ के अपने ऑफिस चेयर पे काम कर रही हूँ। तो बब्जी बिल्कुल मेरे साथ बैठा हुआ है तब से। और वहाँ वो दोनों गुड़ियाएँ मेरी देखो, एक वहाँ है जोई, उसके नीचे है वो लेडी ऑली बैठी हुई है, और टिप्सी देखो दिखते ही ये टिप्सी, टिप्सी। इस चार चार पेट्स के साथ मैं बैठ के अपने ऑफिस का काम कर रही हूँ। बताओ इससे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी और क्या हो सकती है, बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं ऐसी रोती रहती हूँ ना फालतू में कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। सही है लाइफ, भगवान का दिया सब है। और आपने जो कमेंट्स किए आज, दिल खुश हो गया। तो मुझे यकीन है मेरा शिबू भी बोल पड़ेगा, क्योंकि उसके पास आप जैसे प्यारे प्यारे लोग हैं जो रोज़ उसके लिए प्रे करते हैं। सो लव यू ऑल फॉर दैट, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग इतना प्यार देते हो शिवाय और जय दोनों को। थैंक यू सो मच।